हेलो फ्रेंड, नकली पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनली इतने जो बोल सकते हैं आप महीनों सालों से जो वेट था आदि पुरुष का ट्रेलर का, वो आ चुका है। एंड अच्छा है कि दोस्तों 70 कंट्रीज में ये ट्रेलर रिलीज होने वाला है शाम को 3D में, और डिजिटल में तो रिलीज हो ही गया दोस्तों। तो उसी का हम अभी रिएक्शन देने के लिए सोच रहे हैं। एंड जो बात टीजर के बाद से था, जो कि नेगेटिविटी था, होप जो कि वो क्लियर हो जाए इसमें, क्योंकि फिर से शायद ऑलमोस्ट 200 करोड़ कुछ पैसा लगा है, VFX में काम हुआ है, तो मेरे हिसाब से होप रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, डार्लिंग प्रवास का जो आदि पुरुष का ट्रेलर आ चुका है, ये देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रघुनंदन की। युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। भिक्षाम दे अच्छा दिख रहा है पूरा। गाना तो अच्छा होगा लग रहा है। आप अयोध्या के युवराज हैं, एक संकेत करेंगे तो सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। चकली बुढ़िया के पैरों के पास बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। सबरी के दूर जन्म से नहीं थ्रीडी में बहुत अच्छा लग रहा हूँ। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग, तो तुम कर सकते हो और कोई नहीं। ये जबरदस्त सीन है, टू गुड। जय श्री राम, पूरा बहुत बड़ा हो गया। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। लड़ोगे तो अहंकार दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये लच्छा भी नहीं जाते ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू तो पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पाले, नारायण हो जाएगा। ओ, वही। लक्ष्मी को पाले मैंने वही ना, ऋषि जी का अवतार ही है ना राम। वाह, काफी अच्छा मजा आया, बहुत मजा। ये मैंने टीजर से कई गुना 100 times, 1000 times बेटर है दोस्तों। बहुत मजा आया देखने के लिए, है ना। और इसमें खासकर अच्छा लगा डायलॉग सब है, एंड ऐसा लगा कि कुछ रश में नहीं था। हाँ, ठहरा हुआ आराम से चल रहा था, अच्छा दिखाया, है ना, अच्छा लगा। काफी दोस्तों, काफी सीन से बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे लगता है 3D देखने का टाइम बहुत मजा आएगा। एक तो जो हनुमान का जो सीन सब था, वो जो पहाड़ उठाता है, वो सीन बहुत अच्छा लगा। प्लस और भी जो भी फाइटिंग का है, और एक तो जो मुझे लगता है सॉन्ग बहुत अच्छे अच्छे होंगे, है ना। पहला सॉन्ग ही अमंगल मंगल, बहुत अच्छा। 3D में शायद और मजा आएगा देखने के लिए। अच्छा था प्रभास का ये लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो पीछे बाल लंबा है और यहाँ पीछे छोटा सा जो चोटी जैसा बनाया है, वो अच्छा लग रहा है ना। अच्छा था दोस्तों, ये तो काफी बेटर। इवन जो सैफ अली खान का जो वो लुक था, जो ऋषि बन के आने का,
वो हाँ वो सीन एक्चुअली खतरनाक दिखा मस्त। वो जो दाढ़ी उड़ी में बहुत ही अच्छा गेटअप था, और वो जो मांग के और जो जब सीता कृति जो सनम जब वो पैर बाहर निकालती उसमें जो वीएफएक्स था वो जो ओम का सब था डिजिटल वाला बड़ी मस्त दिखाया वो अच्छा गया वो लोग पूरा स्वास्तिक वाला स्वास्तिक का नहीं वो स्वास्तिक तो नहीं स्वास्तिक तो अलग हो जाता है स्वास्तिक का तो वो अच्छा था दोस्तों। हाँ हाँ करेक्ट वो बड़ी मस्त था दोस्तों वो काफी अच्छा लगा काफी अच्छा सीन था इसमें लाइक वे बेटर है दोस्तों टीजर से ये तो काफी अच्छा लग रहा है थ्री डी में थोड़ा थोड़ा आवाज सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ करेक्ट है अभी अच्छा लगा मुझे एक दो सीन एंड अच्छा किया कि ये विलेन जो रावण का ज्यादा नहीं दिखा ज्यादा नहीं दिखा उसको मिस्ट्री ऐसा जो दिखाए हैं एंड डायलॉग्स तो बहुत अच्छा लग रहे हैं दोस्तों एंड ये जो जय श्री राम वाला गाना लग रहा है जब भी बजने वाला है गूज़बम्प आने वाला है पूरा खतरनाक है ना। मुझे एक्चुअली देखने का टाइम ना एक दो मूवी थोड़ा सा रेफरेंस जैसा आया था ऐसा नहीं कि बोल सकते इंस्पिरेशन जैसा एक दो जैसा कि 2005-06 के टाइम जब किंग कॉन्ग आया था एक दो सीन मुझे किंग कॉन्ग बहुत याद आ रहा था वो सब जो भी मंकीज का जो सीन सब था ना वैसा थोड़ा फील हो रहा था। और था लास्ट वाला जो एवेंजर्स था एवेंजर्स का जो इन्फिनिटी वॉर का जो सीन सब था जब वो एक साथ सब या तो पार्ट वन भी एवेंजर्स का जब एक साथ जब वो जंप करते हैं सब जो वो जो एक उनका रहता ना वो निकलते उसके अंदर वहां से जब सीन था वैसा वैसा कुछ कुछ फील हुआ है अच्छा था दोस्तों। ये तो काफी जबरदस्त था प्रभास जबरदस्त मस्कुलिन पूरा दिख रहे हैं राघव पूरा मस्कुलिन वाला दिख रहे हैं मजा आएगा लगता है जो जर्नी है जबरदस्त रहने वाला है ना। इसमें 2D में भी VFX काफी बेटर लगा मैंने मेरे हिसाब से जब 3D में तो बहुत ही अच्छा लगेगा 2D में ही वो अच्छा एक फील हो रहा है बहुत मजा आया दोस्तों अच्छा था। ये तो काफी मेहनत किए हैं ओम राउत और उनका टीम उनको ये तो हमको देना पड़ेगा ब्लॉकबस्टर मुझे दिख रहा है ये मूवी अब तो अब कोई इसको रोक नहीं सकता दोस्तों। अगर ये प्रोडक्ट है और इसी टाइप का स्टोरी भी रहा जो स्टोरी तो हमको मालूम है जैसे उनको कैसे उसको एज ए कॉम्बाइन दिखा रहे हर स्टोरी को हर डायलॉग्स को कैसे मिक्सअप होके है तो पक्का है मुझे तो ब्लॉकबस्टर दिख रहा है ये अब तो कन्फर्म दोस्तों प्रभास को ये मिलेगा ही मिलेगा फिर तो ठीक है दोस्तों। हमको तो अच्छा लगा आपका क्या ओपिनियन है हमको जरूर बताइएगा अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा टेक केयर बाय।